बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने 27 दिसंबर को एक ट्वीट किया था। ट्वीट करके क्या लिखा था? ट्वीट करके उन्होंने लिखा था कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना, यह सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयानक ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन। एक बार फिर से दोहरा दूं, यह ट्वीट भले ही वरुण गांधी ने 27 दिसंबर को लिखा था, मगर आज यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि दिन में रैली तो रात को कर्फ्यू क्यों, चुनावी मजबूरी लेकिन चुनावी रैली क्यों? कोरोना को लेकर दो दो मापदंड आखिरकार क्यों? चुनावी सभाओं में लाखों की भीड़ तो कहीं मास्क के लिए कट रहे चालान। हो सकता है भाइयों बहनों आप में से कई ऐसे हों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके भी चालान कटे, आपके भी चालान कटे मास्क ना पहनने को लेकर, मगर कभी आपने सुना देखा कि ये जो चुनावी भीड़ दिखाई देती है, चुनावी रैलियों का शोर सुनाई देता है, इसमें किसी एक व्यक्ति का चालान कटा हो, किसी एक नेता का चालान कटा हो जो इतनी भीड़ इकट्ठी करते हैं, चुनावी रैलियों में शोर मचाते हैं, कभी इनका चालान कटा गया? सवाल बड़ा है, क्या चुनाव आयोग बहुत बड़ी गलती कर रहा है? यह सवाल तमाम न्यूज चैनल पर पूछे जा रहे हैं। चुनाव आयोग क्या बहुत बड़ी गलती कर रहा है? यह सवाल हर तरफ पूछे जा रहे हैं, मगर इससे जुड़ा एक मेरा सवाल है। सवाल यह कि चुनावी आचार संहिता लगी नहीं, तो चुनावी आचार संहिता लगने से पहले क्या चुनाव आयोग के पास यह जिम्मा है कि वो चुनावी रैलियों पर रोक लगा दे या फिर नहीं? क्या तत्काल सभी राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग के पास है? अगर है तो चुनावी आचार संहिता से पहले क्या वो इस रैलियों को रोक सकते हैं? क्या इससे पहले हालात बेकाबू हो जाएं, राजनीतिक दलों को खुद जिम्मेदारी तय नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? भाइयों बहनों सीधी अपील है आपसे, अपील यह कि ये राजनीतिक रैलियों से दूर रहें। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी रहेंगी, मगर देश रहना चाहिए। चुनाव को वोट, जब चुनाव हो तो वोट जरूर डालें, जरूर डालें, मगर क्या ये चुनावी रैलियां जरूरी हैं या फिर मजबूरी? आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरों के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि जरा ये चार तस्वीरें दिखाएं, और ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं। सवाल यही कि क्या ऐसे हालात में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो क्या ऐसे हारेगा कोरोना? बरेली में बवाल हो जाता है, मैराथन होती है, कांग्रेस मैराथन आयोजित करती है और छात्र दौड़ लगाते हैं और उसमें भगदड़ मच जाती है। दूसरी तस्वीर, केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मगर उससे पहले दो दिन तक रैलियां ही रैलियां की उन्होंने, लगातार एक के बाद एक चुनावी रैली। जो उनके साथ मौजूद थे उनमें से कई चेहरे तो अभी भी कार्यक्रम कर रहे हैं। अब बीजेपी की रैली देखिए, खचा खच भरी हुई तस्वीरें आपको दिखाई देंगी लोगों की।
और इसमें सपा का जोश देखिए, अखिलेश यादव की चुनावी रैलियों में भी भीड़ दबा दब है। तब ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार चुनावी रैलियों से क्या कोरोना डरता है? सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जो मेहमान जुड़ रहे हैं, अश्वनी शाही जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी का चेहरा है, वो हमारे साथ कार्यक्रम ज्वाइन कर चुकी हैं। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मैं एक खास मेहमान को आज इस चर्चा में शामिल कर रहा हूं, और पहले मैं सर आपको सैल्यूट करूंगा। डॉक्टर नारायण सहगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आप, क्योंकि मैं असली कोरोना वॉरियर सर आप ही लोगों को मानता हूं। आप लोग हमारे असली कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने पहली लहर दूसरी लहर में फ्रंट लाइन वॉरियर्स बनकर इस लड़ाई को जीता। आप लोगों को सबसे पहले हाथ जोड़कर हमारा नमन। आप सहगल एनईओ हॉस्पिटल से हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। शर्मा जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? शर्मा जी, हेलो शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भाई चंद्रमोहन शर्मा जी कैसे हैं आप? शर्मा जी कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है तिलक भाई आपके बिल्कुल पास? आ रही है सर आपकी आवाज, बढ़िया, आप सुनिए, बहुत बढ़िया। शर्मा जी मैं वैसे तो सवाल जब शुरू करता हूं तो सत्ता से शुरू करता हूं, आप जानते हैं मेरी आदत, मैं सत्ता से सवाल करता हूं सबसे पहले और फिर विपक्ष के पास जाता हूं। लेकिन आज कुछ तस्वीरें जिसका जिक्र मैं करूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरों को लेकर मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूं। एयरटेल वाला जी, और उन तस्वीरों के आधार पर मैं आपसे कुछ सवाल इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अगर वो तस्वीरें सत्ता की होती तो मैं सत्ता से सवाल करता। उन तस्वीरों को देखकर मुझे थोड़ा डर लगा, थोड़ा नहीं बहुत लगा, और शायद मेरी तरह जी कई लोग ऐसे होंगे जो वो तस्वीरें देखकर डर गए होंगे। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा वो बरेली में मैराथन जो हुई है उसकी तस्वीरें दिखाइए। शर्मा जी ये जीते लगवाई मैराथन हुई बरेली में बच्चों की, और इसमें भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें आपने देखी बरेली में, इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल सीधा और सपाट आपसे ये कि मुझे सिर्फ वो बता दीजिए। अब शर्मा जी को स्क्रीन पर लीजिए। शर्मा जी वो कौन सा विद्वान व्यक्ति है जिसने आपको राय दी कि ये मैराथन करवाइए कोरोना काल के बीच में? मुझे सिर्फ उसका परिचय दे दीजिए ताकि मैं उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कर पाऊं। कौन है वो शख्सियत जिसने आपको ये सुझाव दिया? देखिए कोरोना काल के अंदर मैराथन हो, अगर उसमें कोई कमी है तो उसके लिए कमी मानी जाएगी, कमी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसे हाथ जोड़ना, तो फिर हाथ तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पे जोड़ दीजिए शर्मा जी, क्योंकि वही छप्पन शर्मा जी है, सत्ता के आगे हाथ नहीं जोड़ता मैं। 135 करोड़ जनता, शर्मा जी रुकिए, जो सत्ता के आगे हाथ नहीं जोड़ता मैं, सत्ता के आगे सवाल पूछता हूं मैं। जो हाथ जोड़ते हैं उनको आप मालूम है वो कौन है? सत्ता के आगे सवाल पूछता हूं, हाथ जोड़ रहा हूं उन बच्चियों के लिए। तिलक भाई मैं आपको, मैं आपके लिए ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप सत्ता के आगे हाथ जोड़ते हैं, ना आपका विपक्ष से पहला प्रश्न करने से मैं अचंभित हूं। प्रश्न तो पूछे जाने चाहिए चाहे वो कोई भी हो, या सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, यही एक पत्रकार का धर्म है और उसको आप बखूबी निभाते हैं। उसके लिए मुझे आपके सामने आपकी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब विषय आता है कि देखिए कई अगर प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर कोई कमी है और वो कमी हुई है तो उसके ऊपर मैं कमेंट्स ही दूंगा, क्योंकि ऐसी कमी नहीं, चंद्रमोहन शर्मा जी और जगह भी बरेली में जो कुछ हुआ तो प्रशासन की कमी रही, तस्वीरों को देखकर मुझे तो शर्म आई, मुझे शर्म आई, आपको आ रही है? बिल्कुल, देखिए जो कोई गलत होगा और एक भारतीय होने के नाते उसको माना जाना चाहिए, और हम मानते हैं कि कोई अगर हमारी कमी रही होगी लेकिन हम उस कमी को दोबारा ना करेंगे, इसके लिए वचनबद्ध है। बरेली में जो चीख पुकार हुई इसका जिम्मेदार कौन है फिर? कौन है जिम्मेदार? देखिए मैंने क्या बोला है कि कोई कमी रही है तो उसके लिए
हम अपने आप को आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और दोबारा वचनबद्ध है कि ऐसी कोई कमी दोबारा ना हो, उसके लिए हम वचनबद्ध है। कोरोना काल में ऐसे ही मैराथन करवाना जरूरी है सर? अब मैराथन करवाई जाए ये प्रश्न तो फिर सत्ता पक्ष के गलियारों में घबराने की आहट को गुजारिश करता है, क्योंकि मैराथन हो या ना हो, रैली हो या ना हो, ये शीर्ष नेतृत्व भाजपा का सरकार डिसाइड करेगी, इसको चुनाव आयुक्त भी डिसाइड नहीं करेगा। आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं, चुनाव आयुक्त सिर्फ राय ले सकता है और राय मशवरा हर चुनाव से पहले चुनाव की प्रणाली के अंदर लिया जाता है कि चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए, लेकिन एक संसदीय कमेटी होती है जिसके अंदर अभी कौन सी ऐसी जरूरत आ गई थी आपने ये मैराथन करवाई कोरोना काल में, छात्रों की भीड़ इकट्ठी हो गई, ये क्या जरूरी था? देखिए लोकतंत्र के अंदर क्या जरूरी है वो लोकतंत्र की इस चुनाव प्रणाली के अंदर आवश्यकता है। मैराथन लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अगर देश की लड़की अपने जज्बात को देश के सामने रखना चाहती है और वो आकर सामने आना चाहती है तो उसमें गलत नहीं है। हाँ अच्छा। फिर मैं बोलूंगा कि अगर ऐसी दुर्घटना हुई है, ऐसी कमी है, वो दोबारा ना हो, उसके लिए हम अपनी जिम्मेवारी लेते हैं, उसके लिए हम मैंने बोला है कि आगे ना हो, इस चीज की कमी को हम आगे अवगत करेंगे। Okay. तो हमने तो बड़ी खूबी के साथ okay. उस बात को आपने कहा कि हम गलती मानते हैं, गलती स्वीकार करते हैं, चूक हुई तो हम मानते हैं गलती। मैं अश्वनी शाही जी अब आपके पास आना चाहूंगा, आपके लिए भी कुछ तस्वीरें हैं सर मेरे पास, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा योगी आदित्यनाथ जी की रैलियों की तस्वीरें प्ले करिए। अश्वनी शाही जी, योगी जी रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री का दायित्व है चुनाव आने से पहले वो रैलियां भी करें, लेकिन इन रैलियों में ना तो मास्क दिखाई देता है, वो तो भूल जाइए सोशल डिस्टेंसिंग, तो क्योंकि बसों में लाद कर लोगों को लाया जा रहा है, वो भी सरकारी बसों में। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, चुनावी रैलियों से क्या कोरोना डरता है? आपको इन तस्वीरों को देखकर कैसा महसूस होता है? देखिए तीरथ जी, अब यहां पर दो तीन बातें मुझे कहना होगा और मैं चाहूंगा कि जो है इसको ध्यान से सुनकर आप डिसीजन लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी का ही चुनाव नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का चुनाव है और लगभग सभी दल रैलियां कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, अभी कुछ दिन पहले सबके साथ बैठक हुआ, इलेक्शन कमीशन भी आया, इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग ली सभी दलों की, सभी दलों ने एक स्वर में कहा कि चुनाव टालने नहीं चाहिए, चुनाव हो जाने चाहिए। अश्वनी शाही जी, मैंने कहा इन तस्वीरों को देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरा छोटा मैं देखने का उसी पर आ रहा हूं, मैंने कहा ध्यान नहीं चुनाव आयोग, आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद, तो चुनाव आयोग की भूमिका क्या है आप जानते हैं? मैं उस विषय में जा ही नहीं रहा अभी। तिलक जी मैंने आपसे निवेदन किया कि थोड़ा सा सुन लीजिएगा, तो आपके सारे जो मन में सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं सबके जवाब मैं दे दूंगा, एक साथ ही दे दूंगा मैं, थोड़ा सा शांत रह के धैर्य रखिए ऊपर होगी और उसके बाद जो सवाल करना हो उसे करने वाली। आज अगर हम उस समय कह देते कि भाई चुनाव नहीं होगा, तो यही विरोधी दल ये लगाते कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चुनाव नहीं होने देना चाहती है, चुनाव आयोग जो है और ये दोनों मिले जुले हैं। चुनाव आयोग ने भी कुछ नहीं कहा, चुनाव आयोग अपना चला गया, अच्छी बात है कि वो जब से हमारा चुनाव घोषित होगा तब से उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। दूसरे कोई भी दल अगर इस तरीके की नजीर भी पेश करते तो हम मान लेते कि चलिए भाई योगी जी की ये रैली जो आप दिखा रहे हैं वो बड़ा गलत है। भारत में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, आपको याद होगा बिहार चुनाव में, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में और पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमने वर्चुअल रैली की, और यही विरोधी कांग्रेस के, अभी एक नेता कांग्रेस के इस समय धरती पर नहीं है, मैं उनका नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी एक उनका ट्वीट हमने देखा आज, अहमद पटेल जी, उन्होंने विरोध ट्वीट करके विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये वर्चुअल रैली भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, हम लोग वहां पर उनके उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, गांव में लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए और सभी भारतीय विरोधी दलों ने इस वर्चुअल रैली का विरोध किया। हमने तो शुरुआत की थी तिलक जी, और जिसके लिए हम लोग चाहते थे कि आज भी वो शुरुआत हो। इस भीड़ को देखकर आप क्या महसूस करते हैं? मेरा सवाल वही है।
एकदम भीड़ को देखकर महसूस क्या करना है, भीड़ को देखकर उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति देख लीजिए क्या है, आप देख लीजिए क्या है, भीड़ को देखकर स्थिति वही है। खतरे की हालत है। योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत से आज उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति एकदम खत्म हो गई थी। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं, आपने कहा कोरोना की स्थिति क्या, आप देख लो, आप मुझे बता सकते हैं टेस्टिंग कितनी हो रही है? 500 टेस्टिंग कितनी हो रही है? हां हमारे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टेस्टिंग है। कितनी हो रही है सर बता देंगे मुझे रोजाना? सबसे ज्यादा टीका है, टीका है, सबसे ज्यादा टीका है, टेस्टिंग टेस्टिंग सर टेस्टिंग जी टेस्टिंग आज रोज रोज प्रदेश में लाख एक लाख से ऊपर टेस्टिंग हो रही है। एक लाख से ऊपर टेस्टिंग हो रही है आज? रोज हो रही है। पक्का सर? जी हो रही है, एक लाख से ऊपर टेस्टिंग हो रही है। ऐसे आप अच्छा एक खतरे की घंटी है आपके लिए कि नहीं कि रैलियां जारी रहेंगी? किसकी जिम्मेदारी? पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। हमारी बहन शिल्पी जी हंस रही है, इनके लिए भी खतरे की घंटी है, हमारे लिए भी है और जो सब लोग के लिए है। रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। एकदम रोक लगा दीजिए, हम तो कह रहे हैं रोक लगाइए, वर्चुअल रैली के लिए करिए, रोक सर, रोक किसको लगानी है? रोक तो नहीं, तो हमसे हम इलेक्शन कमीशन हम लोग आदेशित करें, हम लोग करेंगे सर। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, वो तो चुनावी आचार संहिता के बाद फैसला लेगा ना। मैं कह रहा हूँ उससे पहले की जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं? हमारा जो जी सर 24 करोड़ लोगों का जो घर है उत्तर प्रदेश हमारा, इसमें हम कोरोना पर बहुत अच्छा काम हुआ है सर, और अभी हम पूरे प्रदेश में पूरे देश में मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग का काम चुनावी आचार संहिता के बाद है, आप उससे पहले कोई कदम उठा सकते हैं कि नहीं? जो हमने उठाया है क्यों नहीं? हम तो सर्वदलीय बैठक बुलाई आपने, आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई? अभी अभी सर्वदलीय चुनाव आयोग ने बुलाई थी, सबके साथ बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक कितनी बार कहा बुलाया? आपकी जिम्मेदारी है ना, चुनाव आयोग तो तभी आएगा जब चुनावी आचार संहिता रहेगी। सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, हमारी आपकी कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। सामाजिक जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, जो हिंदू मुसलमान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भागते हैं अपनी जिम्मेदारी से। मैं क्यों भागूंगा? मैं तो याद दिला रहा हूँ आपको, ये तस्वीरें तभी तो दिखा रहा हूँ आपको। नहीं भागते तो मन जाएंगे रैली में। मैं तस्वीरें तभी तो दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। दिखाने से काम नहीं चलता है तिलक जी, बता दीजिए उसकी जिम्मेदारी। दिखाने से काम नहीं चलता है, व्यवसाय बेहतर करने से काम चलता है अश्वनी शाह जी। उत्तर प्रदेश में व्यवसाय बेहतर की गई है, इतना बता दीजिए किसकी जिम्मेदारी बनती है, मैं उससे पूछ लूंगा। सबकी जिम्मेदारी है, क्यूमुलेटिव जिम्मेदारी है। अच्छा सामूहिक जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मतलब ये लाइन तो मैंने नहीं जोड़ा था, ये आप अलग से कहां से जोड़ दे रहे हैं? अच्छा रैलियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं? रैली पर प्रतिबंध लगवा दीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट में केस करिए आप, चौथे स्तंभ में केस करिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा। ओके रैली पर संविधान बदल दीजिए, लगवा दूं और मैं ही चुनाव आयोग को नहीं, लोकतंत्र का क्यों भारतीय जनता पार्टी पर ही सब जगह सब आरोप लगेगा? ओके मुझे लगा कि आप क्यों लगेगा भाई, आप दुनिया का सबसे बड़ा दल है ना, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। खैर मेरी गलत फहमी, दुनिया का बड़ा दल है। शिल्पी जी मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं हर किसी के लिए कोई ना कोई तस्वीर लेकर आया हूं, आपके लिए भी तस्वीर है, जैसे चंद्रमोहन शर्मा जी के लिए भी तस्वीर थी, अश्वनी शाही जी के लिए भी तस्वीरें थी, आपके लिए भी तस्वीरें हैं, और अब तस्वीरें अखिलेश यादव की रैलियों की दिखाऊंगा मैं, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। अब ये तस्वीरें देखिए यहां पर भी कोई आपको मास्क नहीं दिखाई देगा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, खचा खच मैदान भरा हुआ है। अब सिक्के का दूसरा पहलू है श्वनी शाही, उस नजरिए से तस्वीर मत देखिएगा, मैं दूसरे नजरिए से देख रहा हूं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। शिल्पी जी आप मुस्कुरा रही है, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं, आप भीड़ देखकर मुस्कुरा रही है, मैं जान सकता हूं क्यों? मैं डर रहा हूं। देखिए बात अश्विनी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि चुनावी रैलियों पर रोक ये नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, बंगाल में जब चुनाव की रैलियां हो रही थी पूरा चुनावी, और मुझे उसके बाद भी उस समय उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा विकट परिस्थितियों से जूझ रहा था, लेकिन बंगाल में न तो चुनावी रैली में कोरोना आया, न उसके बाद कोरोना के केस रिपोर्ट हुए, ना ही उसके बाद कोई विजिलेंस आया कि भाई वहां की सरकार ने कुछ छुपाया। तो मुझे नहीं पता, मेरा भी प्रश्न वही है कि जहां चुनाव होता है वहां से क्या कोरोना भाग जाता है? दूसरी बात, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी पर जवाब अश्विनी शाही जी ने दे दिया,
वर्चुअल रैली के लिए ये बार बार मांग ले कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल रैली करने से इनका बहुत फायदा है। हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर सरकार ध्यान से सुनिएगा इसको, चुनावी रैली पर सरकार रोक लगाती है तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं, लेकिन अगर रोक सरकार नहीं लगा रही है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी इस समय विड्रॉ पे नहीं आएगी, चाहे वो हम हो या ये हो। अच्छा, पूरा सिस्टम जिन लोगों ने हाईजैक कर रखा है वो बिल्कुल मांग करेंगे कि वर्चुअल रैली करें। अच्छा। जिस जगह ये रैलीज होती हैं, इतनी भीड़ में कहीं पर भी नेट हम लोगों को नहीं मिलता है, तो वर्चुअल रैली जब हम करेंगे तो हमारे पास किसी भी किस्म का, देखिए हंसी देखिए, अंबानी अडानी इनकी जेब में है, अंबानी पूरा जो नेटवर्क चलाते हैं, जो सर्वर डाउन करते हैं, सारी दुनिया को पता है, बीएसएनएल जैसी कंपनी को भी ठप कर दिया गया सर्वर डाउन करके, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा टूल है। यानी आपके लिए चुनाव जरूरी है, जान जरूरी नहीं है लोगों की? नहीं है, आने दीजिए ना, किसको आने दीजिए, जब वैक्सीनेशन, जब लोग कह रहे हैं, देखिए शाही जी की बात को तो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, जब वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हमने कराए, तो इस भीड़ में भी वैक्सीनेटेड लोग ही होंगे। अच्छा, तो क्या जरूरत है हमें कोरोना से डरने की? अच्छा, अरे देखिए मैं तो भाजपा को अप्रिशिएट कर रही हूँ ना, व्यक्तिगत सवाल है, मैं पूछता नहीं। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन लगाया कि नहीं? नहीं, उन्होंने कहा है कि जब उत्तर प्रदेश का अंतिम व्यक्ति लगा लेगा उसके बाद ही मैं लगाऊंगा। भाजपा की वैक्सीन कहां लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। मेरे सवाल का जवाब आप लोगों ने दे दिया, उनके पूरे परिवार ने लगवाया है। मैं एक मिनट मैं डॉक्टर साहब को लाना चाहूंगा। मैंने आप लोगों को अपनी हकीकत दिखाई, तस्वीरें दिखाई आप लोगों को, और आप लोगों ने इस बात को लेकर तैयारी नहीं दिखाई, रजामंदी नहीं जताई कि नहीं भैया हमारी प्राथमिकता के आधार पर जिम्मेदारी स्वयं बनती है कि चुनावी रैलियों पर रोक लगे। आप लोगों ने कहा वो करे तो हम करें, हम करें तो वो करे, क्यों करें? ये चुनाव आयोग फैसला लेगा, अब चुनाव आयोग से पूछिए, चुनाव आयोग कहता है कि चुनावी आचार संहिता लगी नहीं तो मैं कैसे फैसला ले लूं? क्या गजब की स्थिति बनी हुई है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सहगल, मैं देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा आपसे, बट मेरी जिम्मेदारी थी कि जरा मैं राजनीतिक दलों के चेहरे पर कुछ दिखा दूं। सबका दिखाया मैंने, किसी को नहीं छोड़ा, मैंने हकीकत दिखाई जो था। मेरा एक चिंता है, ये चिंता वाजिब है या नहीं आप बता दीजिएगा, कि क्या ऐसे हालात में सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं कहीं, मास गैदरिंग, क्या कोरोना फैलेगा या नहीं फैलेगा? सर, मेरे ख्याल पिछले 2 साल में जो हिंदुस्तान ने पूरी एक झलक और झांकी देखी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी, चाहे वो कितना भी अनपढ़ हो, उसको ये समझ नहीं होगी कि कोविड टीवी वाले से मिलेगी फैलता है और उससे क्या नुकसान हो सकता है, सबको मालूम है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा पब्लिक के लिए कि उनको ये समझना चाहिए कि कोविड वायरस आपको नहीं ढूंढता है, आप उसको ढूंढते हैं जी, तभी आप अफेक्टेड हैं। तो ये हम ढूंढने के तरीके कर रहे हैं, शायद जो लोग बच गए हैं वो चाह रहे हैं कि हमें भी एक बार इन्फेक्शन हो जाए और इम्यूनिटी आ जाए, वो ये नहीं रियलाइज कर रहे कि इस तरह का इन्फेक्शन जब इतना ज़्यादा फैलता है तो ना कोई व्यवस्था उनके लिए पूरी पड़ती है, और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो कि वो इससे बच पाए। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि ये तो एक किस्म की नासमझी है, जो आई थिंक अब इट इज़ हाई टाइम कि हम इन चीज़ों से कुछ पाबंदियाँ लगाएं, परहेज रखें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टाइम आ गया है जिस स्पीड से ये वायरस फैल रहा है, ये शायद डेल्टा से भी कई गुना ज़्यादा स्पीड से फैलता है। आप ये देखिए पिछले 10 दिन के अंदर कहाँ कितने महीनों से 50 से कम केस चल रहे थे और आज 5,500 हैं केवल दिल्ली में। आज अमेरिका में 1,000,000 से ज़्यादा केस एक ही दिन में उन्होंने टेस्ट किए हैं जो पॉजिटिव निकले हैं। तो इस स्पीड से अगर फैलेगा तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली में शायद 15 जनवरी तक 25,000 से ज़्यादा केस हो जाएंगे और बहुत जल्दी हमारे देश में भी 1,000,000 से ज़्यादा केस टाप जाएंगे। तो जब ये हालत है और एक ये बीमारी जिसका हमने
उसका क्या असर हम पे पड़ता है, हमारे देश पे पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है, हमारी सेहत और हमारे परिवारों में हमारे जो प्रिय हैं उनके साथ क्या होता है, ये सब चीज़ जब हम भुगत चुके हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ऐसा कमेंट या कोई एक्सपर्ट ओपिनियन देने की ज़रूरत है कि क्या ठीक है क्या गलत। सर क्या वाकई ये खतरे की घंटी नहीं है अगर अभी भी हम अपने आप को संभाल लें, क्योंकि ये अलार्म है उसके बावजूद हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, हमें मालूम है कि एक ही तरीका है कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर हालात ये है कि आ जाओ तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, चाचा को भी लिया, फूफा को भी लिया, दादा को भी लिया, नाना को भी लिया, सबको लिया। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो हमें चार चीजें प्रिकॉशंस शुरू से सिखाई और बताई जा रही हैं वो तो हमें करनी चाहिए ना, लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारी पब्लिक है वो क्यों इतनी सीधी सादी और मूर्ख बन के बैठ जाती है कि वो इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करे बिना सोचे समझे। मतलब हमारे लीडर लोग तो उनकी मजबूरी है शायद, इसलिए वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जी। लेकिन पब्लिक को भी समझना चाहिए, अगर पब्लिक समझने लगेगी तो हमारे जो लीडर लोग हैं शायद वो अपने आप ही मजबूरी में देखेंगे कि ये तो तरीका कामयाब नहीं है, हमें कोई और तरीके ढूंढने चाहिए। डॉक्टर साहब हमने पहली लहर और दूसरी लहर और अब तीसरी लहर, क्या ये वाकई हम मैं मान लूं कि तीसरी लहर आने वाली है और हम लोग उसको खुद न्योता दे रहे हैं, कह रहे वेलकम? न्योता तो देखो पिछली दो बारी में भी दिया था और बहुत लेट रियलाइज किया था, लेकिन अब जब हमें सारा कुछ पता है और हमने उसका बुरा असर हर तरीके से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, इकोनॉमी में और अपनी सेहत में सब तरीके से जब जान लिया है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम उस चीज को क्यों रिपीट करना चाह रहे हैं। तीसरी लहर आएगी, आ रही है, दिख रही है और अच्छे से प्रिडिक्ट करी जा रही है कि बहुत स्पीड पे बढ़ेगी। डॉक्टर सैगल मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन शर्मा जी आप अपनी बात रखिए, फिर शाही जी आपके पास आ रहा हूं। क्या कहना चाह रहे थे शर्मा जी, बोलिए चंद्रमोहन जी। देखिए मैं विषय रख रहा था, जिस तरह से आपने भाजपा के नेता से पूछा और उन्होंने उस बात को घुमाया, आज जिम्मेवारी किसकी है इस देश के अंदर? अगर जान माल का नुकसान दो बार के कोरोना पीरियड के अंदर हुआ और लाशें गंगा के तट पे तैरती रही, ऑक्सीजन की कमी रही और आपने डाटा छुपा कर ये कह दिया कि ऑक्सीजन से कोई जांच ही नहीं गई, तो आज जान की जिम्मेवारी किसकी है? क्या विपक्ष की है? विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेवारी लेते हुए बंगाल इलेक्शन से ना जाने का फैसला किया था, क्या मोदी जी ने करा था उस फैसले को? आज फैसला ले लो चंद्रमोहन जी, कौन रोक रहा है? नहीं नहीं शर्मा जी आज आप कह रहे हो ना कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने फैसला ले लिया था, तो आज ले लो फैसला, कौन रोक रहा है? क्या मोदी जी रोक रहे हैं क्या? तिलक भाई हर अच्छा जहां आपको पता था कि चुनाव हार रहे हैं तो वहां आपने क्या किया फैसला नहीं लिया? आइडियोलॉजी देखिए, अब चुनाव हार रहे हैं ये फैसला ये कोई गणित नहीं है, गणित तो की पहल किसने करी? हाँ, क्या वैसी पहल मोदी जी कर सकते हैं? यहाँ कर दीजिए, वैसी पहल कोई सत्ता का पक्ष कर सकता है? शर्मा जी वो नहीं कर सकते, जहाँ तो पर आप करी यहाँ पर भी करी, अभी तक राहुल गांधी जी ने रैली नहीं करी है। शर्मा जी आप कर लीजिए पहल, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल जान माल जब जाएगी कोरोना के अंदर तिलक भाई, वो ना आपको देखेगी ना मुझे देखेगी ना कांग्रेस को देखेगी ना भाजपा को देखेगी, किसी को नहीं देखेगी, वो अटैक करेगी बिल्कुल। लेकिन उसका प्रमाण के ऊपर प्रशासन की क्या तैयारी है? अगर इस चीज के ऊपर बैठक करी जाएगी, लोगों सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, तो प्रश्न सरकार की उस पे उठेंगे कि सरकार ने तैयारी क्या करी है, इसकी चोरी के लिए सरकार नहीं बैठना चाहती, सदन से बाहर बैठना चाहती है। अब सुन लीजिए शर्मा जी, शाही जी जवाब दीजिए। सर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर रखा है आपने। 44 से नीचे आ गए वहां पर आज, तो राहुल जी को ये लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, वो रैलियां नहीं किए। बंगाल में अभी हमारी बहन कह रही थी समाजवादी पार्टी की शिल्पी जी कि वहां पर ये हुआ, आपका तो एक भी कोई नहीं लड़ रहा था, लेकिन आप जया बच्चन क्या करने चली गई थी वहां रैली करने, चुनाव प्रचार करने, तो सभी लोगों का दिक्कत था वहां,
आज जब हम एक वर्चुअल, हम लोग देखिए आज जो है ये जो वर्चुअल डिबेट की शुरुआत इसी कोरोना ने कराई है और हम लोग सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर आज तिलक जी के साथ डिबेट कर रहे हैं, तो ये वर्चुअल रैली की शुरुआत भी भाजपा ने की और जिसका विरोध, मैं बाहर की बात ही छोड़ू, अभी शिल्पी जी ने कर दिया तुरंत कि सारा इनका है, तो सारा इनका है तो आप घर में बैठ जाइए, हार मान लीजिए, सारा हमारा है, कभी आप ईवीएम पर ठीकरा खोलेंगी, कभी जो है वर्चुअल रैली पर, तो ये दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल थोड़ा सा जानकारी के लिए जानना चाहता हूं कि इस समय टेलीविजन के हर चैनलों पर कहीं ना कहीं से, कभी अमेरिका से, कभी किसी देश से, कभी हिंदुस्तान के विशेषज्ञ डॉक्टर बैठ रहे हैं और उनकी हर डॉक्टर की, हर पैनल की राय अलग अलग आ रही है। एक पैनल ये कह रहा है कि जिस देश में टीकाकरण हो चुका है या हो रहा है, तेज ज्यादातर हो गया है, उनके यहां खतरा कम है, डेल्टा से कम खतरनाक ओमिक्रॉन है, तीसरा जहां से शुरू हुआ, ये हम मैं कह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका से ये शुरू हुआ नवंबर में और आज साउथ अफ्रीका में सारे नाइट कर्फ्यू हटा लिए गए, सब चीजें लगभग ओपन, धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं, 50 दिनों के अंदर उन्होंने कंट्रोल कर लिया और मॉर्टेलिटी बहुत कम रही। तो अगर हम उसमें पीछे, या अरे सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, वहां भी रैलियां और सब जगह रैलियां और चुनाव होते रहते हैं, भीड़ होती रहती है हर जगह, नहीं होगा कंफर्म कर लीजिएगा। नहीं अरे चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भीड़ तो हर जगह होती है, बाजार में भीड़ होती है। नहीं नहीं, तो फिर चुनाव में भीड़ नहीं होती है तिलक जी? अच्छा, भीड़ मदारी क्या भी होती है, भीड़ जो है अभी आप एक पुल के पास खड़े हो जाइए, नीचे झांकने लगी वहां भी हो जाती है। अच्छा, मदारी भीड़ का मतलब है भीड़ कहाँ नहीं होती है? मैंने मदारी देखा है, आप भी भीड़ का हिस्सा कभी रहे होंगे। तो मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये दहशत जो फैलाई जा रही है, तिलक चावला जी एक इसको जो है हम दहशत का नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सेंसेशन फैलाया जा रहा है, ये हो जाएगा। अच्छा जी, तो आखिर हम क्या करें? फैला रहे हैं आप? मैं दहशत फैला रहा हूं, मैं दहशत फैला रहा हूं, आपसे जानकारी ले लिया जाए। नहीं नहीं शाही जी, मैं दहशत फैला रहा हूं, मैंने आपको नहीं कहा, ये शिल्पी जी ने आपको कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं नहीं, आप मैं कह सकता, आप ये कह रहे कि मैं कह सकता, मैंने तो आप लोग ये क्या कर रहे हैं बोला, अगर मैं दहशत फैला रहा हूँ तो कोरोना, ये आप लोग कोरोना फैला देंगे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई, मैंने आपको आपको कहा प्रभु, ये तो मैंने आपको बताया, शिल्पी जी ने आपको कहा कि आप दहशत फैला रहे हैं, मैंने नहीं कहा, मैंने तो डॉक्टर साहब से सवाल पूछा आपके सहारे नाम लेकर, यार जज की भूमिका में है तिलक जी, आप हम लोग यहाँ कटघरे में है, आप जज की भूमिका में, आप जज की भूमिका में, जज की भूमिका में जनता है, मैं सिर्फ जनता के सवाल पूछता हूँ जो जनता जानना चाह रही है, जज की भूमिका में जनता को ही जाने दीजिए। मैं एक बात, ना ना ना, मैं इस बात को ज्ञानवर्धन कर ले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब उन्होंने कहा, साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा कि पहले दूसरी लहर में जो था डेल्टा, वो उससे खतरनाक नहीं है इस बार ओमिक्रॉन, इसको जरा भ्रम की स्थिति को दूर करिए, जरा समझाइए हमारे नेतागणों को। अश्विनी जी, अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूं कि बहुत सारी जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि जो ओमाइक्रॉन है वो उतना बुरा नहीं है जितना कि डेल्टा वेव थी, तो इसमें मुझे एक चीज बताइए, मुझे ये ऑफर दी गई कि ये बहुत गर्म तवा है, ये उससे कम गर्म तवा है, और ये जो तीसरा रास्ता है इस पे गर्मी है ही नहीं, तो आप क्या चूज करेंगे? आप सेफ्टी की तरफ जाएंगे ना, आप ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे को अपने सारे काम करने दो, थोड़ा बहुत पैर जलेगा जलने दो, मैं अब बीच वाले तवे से जाऊंगा। उसी तरीके से ओमाइक्रॉन, चाहे ये खतरा कम हो लेकिन खतरा तो है, जिसका एक भी घर का व्यक्ति चला जाता है ये शायद वो रियलाइज करता है, अगर अस्पतालों में बैठ के डेल्टा वेव के टाइम पे आपने ये हालात देखे होते तो शायद हम अब सब के सब इस बात से सहमत होते कि कुछ दिन की बात है, इसकी बजाय कि हमने सारी बंदिशें अपने लिए हटा ली, हमने सारे जितने भी कर्व्स थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और वो पाबंदियां ना होने के कारण जिस स्पीड से ओमाइक्रॉन, जो शायद हिंदुस्तान में था ही नहीं, आया तो बाहर से, पाबंदियां नहीं थी इसीलिए आया ना,
तो अगर हमें सेफ रहना है, मुझे तो ये मन है कि मेरे देश का एक भी व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। अगर जान बच जाती तो बाकी सब चीजें तो नहीं सर, मुझे मालूम नहीं चला, मैं यहाँ पर बैठकर लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, दहशत फैला रहा हूँ, मुझे तो यही नहीं पता चला। ये शिल्पी जी से पूछिए आप। नहीं नहीं, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, अब शिल्पी जी मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जेन्युइन बात कही, इसकी हकीकत और बानगी बताता हूँ आपको। आप लोग भूल गए होंगे, आप लोगों की याददाश्त है मैं मानता हूं, लेकिन जनता की याददाश्त पर किस तरह से पर्दा डाला जाता है मैं आप लोगों से सीखा हूं। अब मैं याद दिलाता हूं, जागरूक करना किसे कहते हैं। बाप बेटा का मुखाग्नि नहीं दे पाया, बेटा बाप को मुखाग्नि नहीं दे पाया। गलत होऊंगा तो आप बोल दीजिएगा कि तुम यहां पर गलत हो तिलक चावला, इस डिबेट को यहीं खत्म करो। हकीकत बता रहा हूं, उस वक्त की तस्वीर याद दिला रहा हूं। सिर्फ दूसरी कोरोना काल में जो दूसरी लहर आई थी, मैं उसकी तस्वीर आपको याद दिला रहा हूं। गंगा में तैरती लाशें याद दिला रहा हूं। जब गंगा में लाशें तैर रही थी, लोग डर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, इकोनॉमी तबाह हो जाती है, हमारी कमर टूट गई, इकोनॉमी तबाह हो गई। कोरोना ने क्या यह देखा कि शिल्पी जी समाजवादी पार्टी से है, चुनाव जीत रही हैं, हार रही हैं, इनके घर नहीं आऊंगा। शाही जी सत्ता में बैठे हैं, इनके घर नहीं आऊंगा। 10 जनपद में क्यों जाऊं, वहां पे तो कांग्रेस का राज है। क्या कोरोना ने कभी यह देखा? आप तीनों बैठे हुए हैं, आप मुझे बता दीजिए अगर आप लोगों ने देखा। और तीनों से मैं पूछ रहा हूं, आप तीनों राजनीतिक दल से हो सकते हैं, परिवार के मुखिया होंगे, हर किसी ने अपने घर से एक खोया होगा, अपना करीबी खोया होगा। अश्वनी शाही जी दिल पर हाथ रख के बोलिए, शिल्पी जी अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, चंद्रमोहन शर्मा जी दिल पर हाथ रख के बोलिए, बोलिए इस बात को कि क्या जिस वक्त कोरोना की दूसरी लहर थी, आप लोगों के पास फोन नहीं आते थे कि सर एक बेड दिलवा दो, एक बेड दिलवा दो प्लीज, मेरा भाई मरने वाला है, मेरा दोस्त मरने वाला है, मेरा बाप मरने वाला है, एक बेड तो दिलवा दो सर। क्या नहीं आते थे? दिल पर हाथ रख लो आप तीनों राजनीतिक दल। और मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि ऑक्सीजन की किल्लत हुई, तड़पते हुए लोगों को देखा गया, भले ही आंकड़े कुछ भी कहें, मगर हकीकत यह है कि दिन में रैली और आज रात को कर्फ्यू क्यों? दिन में रैली रात को कर्फ्यू क्यों? ईमानदारी से एक सवाल का जवाब चाह रहा हूं तीनों से। शिल्पी जी आप बात बोलिए। तिलक जी मैं कुछ बोलना चाहता हूं। तिलक भाई किससे पूछा है तो वही जवाब दिया जाए, एक बारी बारी करके दिया जाए। मैं शिल्पी जी आपसे पहला सवाल कर रहा हूं, अगर मैंने झूठ बोला तो बोलिए। जो बात मैं आप लोगों को जागरूक, मैं जनता को जागरूक कर रहा हूं, दहशत नहीं फैला रहा हूं, मैं आप लोगों की कमी आप लोगों को बता रहा हूं। नहीं नहीं देखिए, आप बिल्कुल लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इससे मेरी कोई असहमति नहीं है। अश्विनी शाही जी की थी तो वो दोषारोपण करने में माहिर लोग हैं, कर रहे हैं। मुझे पहली भी बात पे इनकी हंसी इसीलिए आई थी जब इन्होंने कहा था कि ये प्रतिदिन 1,00,000 की टेस्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ हो रही है टेस्टिंग, हो सकता है इन्हें पता हो, हमें नहीं। दूसरी बात, डेल्टा का समय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था जो आपने कहा। आप लोगों को तो कहीं किसी चीज का भरोसा नहीं है शिल्पी जी, आप लोग भ्रम तो आप लोग फैला रहे हैं। आप अपनी बात कह चुके हैं, अब आप शांत रहे, मुझे मेरी बात कहने दें, मैं आपके उसमें नहीं कूदती फांदी। दूसरी बात, जो आपने कहा डेल्टा के समय वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था, हमने बहुत अपने परिजन खोए हैं, मेरे पास अनजान लोगों के फोन आते थे, और व्यवस्था जिसका ये कहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी कि रेमसेवीर का पूरा रैकेट मैंने पकड़ाया था, जिसकी आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है। तो इनसे हम लोग तंग हैं, वो पूरा रैकेट जिसको पुलिस बचाने में लगी हुई है, उसकी चार्जशीट 1 साल होने आ रहा है, मुद्दे पे आइए, दाखिल नहीं हुई है। मुद्दे पे आइए। मुद्दे नहीं है, ये सारे मुद्दे हैं, ये सरकार की अव्यवस्था थी। अगर ये घर पे क्यों नहीं बैठ रहे हैं, अगर ये जीत के लिए आश्वस्त है तो ये घर पे बैठ जाए, हम हार के लिए आश्वस्त है, हम अपने घर पे बैठ जाएंगे। अच्छा, पहले ये बैठेंगे या फिर आप बैठेंगे? हैं अश्वनी शाही, बिल्कुल पहले आप बैठिए, पहले आप बैठिए, फिर हम घर बैठेंगे। हटाना है,
जनता को इनके शिकंजे से सिर्फ हम ही मुक्त करा पाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो हम तो लड़ेंगे। जब जनता के अजीब सपने, वोट तो उसी को डालने वाले। आप देखिएगा हंसे, आप हंसने देखिएगा, आप सपने देखिएगा। अभी जो कुछ आप मेरी लाल के अजीब सपने और आप कह रहे हैं कि दहशत फैला रहे हैं। दिलती जी, मैं बता रहा हूँ, प्रदेश को ठीक करने का जिम्मा हम लोगों ने लिया है। हम लोग स्वस्थ करके रहेंगे पूरे प्रदेश को, और जितनी व्यवस्था हम लोगों ने की है, कर्म योगी आदित्यनाथ जी कोरोना से पीड़ित होने के बाद यहाँ जो है हर गांव गांव गली गली हर जिले का चार बार दौरा किए और घर घर दवाई घर घर राशन की व्यवस्था कराए। और आप लोगों ने क्या किया? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं गए, चुनाव क्षेत्र में नहीं गए। उनसे पूछिए, और वो कहते हैं भाजपा की वैक्सीन भ्रम फैलाने का काम आप लोग करते हैं, और ये भ्रम मत फैलाइए देश में। आज अगर आप लोगों ने भ्रम नहीं फैलाया होता तो आज पूरे प्रदेश को वैक्सीन मिल चुकी होती। आप लोगों ने भ्रम फैलाया और वैक्सीनेशन में रुकावट बने, और आज प्रदेश की प्रगति में आप लोग रुकावट बन रहे हैं, जिसको योगी आदित्यनाथ जी बेहतर और स्वस्थ बनाना चाहते हैं। आप लोगों ने इस काम को एकदम खत्म कर दिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं शिल्पी जी, प्लीज शिल्पी जी प्लीज, ऐसे नहीं। मेरा एक पॉइंट सुन लीजिए और इनसे जवाब मांग लीजिए। कोरोना की तैयारियों में शमशान में जो चिता जलाने के लिए लकड़ी आई, लखनऊ नगर निगम के अधिकारी उसको डेली 15 क्विंटल लकड़ी राजभवन भेज रहे हैं, उनके घरों में उससे अलाव जल रहे हैं सर्दी में। ये भारतीय जनता पार्टी प्रमाण ले आइए और जाकर शिकायत करिए। प्रमाण ले आइए, बिना प्रमाण के मत बचा कीजिए। मुख्यमंत्री महोदय, लखनऊ शिल्पी जी प्लीज प्लीज। चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि चुनावी रैलियों में प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर नहीं, बस। देखिए, मैं पहले आपकी जवाब का देता हूं। लोकतंत्र के अंदर और लोकतंत्र को चुनने वाले व्यक्तियों की जान और माल की हिफाजत के लिए अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो हम सरकार का साथ देंगे, निष्पक्षता के साथ मेरा एक वक्तव्य है। लेकिन इसके अंदर सरकार को निष्पक्षता के साथ, लोकतंत्र की प्रणाली के अंदर, लोकतंत्र की मर्यादा के साथ देश के जनमानस का ख्याल रखना है। सत्ता की भूख के अंदर काम ना हो तब। और बहुत देर से मेरे भाई अश्विनी जी योगी कर्म योगी कह रहे थे, तो मैं उनको याद दिलाऊं कि अपनी फतेह पे गुरूर आने लगे तो मिट्टी और गंगा के तट पे बैठती लाशों से पूछ लेना कि ये किसका था। ये तो पहला है। और भाजपा झूठ वाली पार्टी है, जब मैं सच बोलूं तो वो समझ नहीं आता, लेकिन जब वो झूठ बोलती है तो बेइंतहा बोलती है। आपकी मर्यादा के आगे हम नहीं टिक सकते, क्योंकि आपकी मर्यादा कर्मशील है, योगीशील है। तभी तो आपके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व भाजपा का जब नोटबंदी करने लगता है तो ना विपक्ष से पूछता है, ना पत्रकार से पूछता है, ना देश के जनमानस से पूछता है। जीएसटी लाता है तब भी किसी से नहीं पूछता। लेकिन आज देश की जनमानस की बात आएगी तो आप इलेक्शन कमीशन को आगे खड़े करके उस प्रणाली की बात करेंगे। अरे, उसकी बात करने के लिए सदन है, संसदीय प्रणाली है। क्या देश के ऊपर आपदा आती है तो संसदीय प्रणाली का गठन करके विपक्ष की पार्टियों को आमंत्रित नहीं किया जाता? वो मर्यादा भूल गया क्या? आपने पिछले वक्तव्य में बोला कि 44 से 2 आए। अरे, हमने तो 2 भी आपको गिफ्ट में दी थी, आपकी 2 की गिनती में नहीं थे। जिस प्रचंड बहुमत को आप प्रचंड बहुमत कहते हैं, 417 का प्रचंड बहुमत कांग्रेस ने जीता है। आप सरकार है, घमंड मत करिए। सरकार बनाती भी देश की जनता है और उतारती भी देश की जनता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैंने जितनी बातें कही, हाँ जी, मैं आपसे एक बात, सिर्फ सिंपल एक बात पूछना चाह रहा हूं। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या देश तीसरी लहर झेलने के लिए तैयार है, लगता है आपको? सिंपल सा सवाल। मेरे हिसाब से जो पिछली 2 बार में हमने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, वो तजुर्बा, वो तैयारी अब हमारे काम आएगी। और दूसरी बात जो उठी है कि ये जो वायरस है ओमाइक्रॉन, वो डेल्टा और फर्स्ट वेव के मुकाबले में क्या कम हानिकारक है, वो बात सही है काफ़ी हद तक, क्योंकि वो कम हानिकारक है इसलिए, जबकि ये सोचा, ये देखा जा रहा है कि शायद नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, पहली बारी से भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इतना ओवरवेलमिंग हो जाएगा, इतना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए कि अगर इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो हम पे वार करने की शक्ति कम ना हो तो शायद हम ना झेल पाए।
नहीं तो अगर कम रहेगी नहीं तो पक्की बात हम झेल रहेंगे, क्योंकि एडमिशन्स आज के दिन में भी पिछले 5 दिन का मैं तजुर्बा आपको बता सकता हूँ कि अगर 50 केस हमारे पास आ रहे हैं जो सस्पेक्टेड हैं, उसमें से अगर 35 या 40 पॉजिटिव निकलते हैं तो शायद एक को एडमिशन की जरूरत पड़ती है, या उसको भी कई बार नहीं पड़ती है जी। तो अगर बढ़ भी जाएंगे और हम तरीके से बिना भय के, बिना किसी जबरदस्ती करके अपनी एडमिशंस की मांग नहीं करेंगे तो अस्पताल उस तरीके से, बुरी तरीके से हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस तरीके से मुश्किल में नहीं आएगी। ऑक्सीजन की भी शायद ज़रूरत उतनी ना पड़े, दवाइयां भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो ये बड़े आराम से झेला जा सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है और ऐसी ही मैं भगवान को प्रार्थना करूँगा। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी स्ट्रेन फिर म्यूटेट होके या कुछ ऐसी चीज जो अभी तक सामने नहीं आई वो सामने आई और फिर उस नंबर में हमें उन नंबर्स में इसको फेस करना पड़ा जैसे कि डेल्टा था, तो डेफिनेटली मुश्किल आ सकती है। बट मुझे लगता है हम तैयार हैं क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस हमारे बहुत काम आएगा, बहुत सारी चीजें हमारी पहले से ही तैयार है, बहुत अच्छी बात है। हमें उनको खाली एक्टिवेट करना था डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारी कोशिश भी यही है कि हम लोगों को जागरूक करें, आप मोटिवेट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ होते हैं लोग जो डॉक्टर के पास जाते ही ठीक हो जाते हैं, और मैं जानता हूं आपका पेशेंट भी आपके पास आकर ठीक हो जाता होगा, आपके बोलने से भी मुझे पता चल रहा है। मैं एक बार डॉक्टर साहब और जानना चाह रहा था, एक होता है कि पैर पर कुल्हाड़ी पर पैर रखना और एक होता है कि कुल्हाड़ी के पास जाकर पैर मारना, क्या हम ऐसा नहीं कर रहे इस वक्त इन चुनावी रैलियों को देख के? बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही महसूस होता है। कुछ पाबंदियां हैं जो मेरे ख्याल में बहुत सख्ती से उनको रिकमेंड भी करना चाहिए और उनको पालन भी होना चाहिए, और इसमें दोनों का ही हिस्सा है, हमारे लीडर लोगों का तो इसमें रोल है ही, क्योंकि वही हमें राह दिखाते हैं, वही कानून बनाते हैं, तो उनका रोल तो डेफिनेटली है। लेकिन मैं जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर वो ये रैली में भी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि रैली होनी चाहिए, अगर सबने मास्क पहना हो तो शायद इन्फेक्शन का इंसिडेंस 10 गुना कम हो जाएगा, तो डैमेज कम होगा, फैलेगा कम। हिंदुस्तान में नहीं है, पर हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो डिसिप्लिन में इतने आगे हैं कि वहां किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे सब नियमों का और पालन करते हैं और सेल्फ रिस्ट्रेंट रखते हैं। तो दोनों को ही, हमारे लीडर लोगों को भी और हमारी जनता को भी, सबको जागरूक होना पड़ेगा, और अभी टाइम ऐसा है कुछ टाइम के लिए जब उनको फिर से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक, अब मैं 3 सवाल पूछूंगा और मेरा सवाल आप तीनों से एक ही होगा, अश्वनी जी आपसे भी, शिल्पी जी आपसे भी और शर्मा जी आपसे भी, और मैं चाहूंगा कि ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। अश्वनी शाही जी, चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए या सोनो? देखिए, हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, चुनाव होंगे, जान भी है, जहान भी है, डॉक्टर साहब ने इतनी कायदे की बात कही। चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए या सोनो? नहीं, ऐसा नो का कोई जवाब ही नहीं होता है, ये चुनाव होगा, चुनाव है, हाँ या ना? देखिए, हम लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन में नहीं बैठे हैं कि हम लोग जो है एसआरओ का जवाब देके चले जाएंगे। हम लोग राजनीतिक दल हैं, देश चलाना है, रोजगार भी देखना है, उद्योग भी देखना है, जनता की जान भी देखनी है। यहाँ बैठ कर यह प्रयोग करने से अगर आप कंट्रोल कर ले जाते हैं तो तिलक जी मैं आपको सलूट करूंगा, आपके करने से अगर हो जाए, लेकिन नहीं, आप भी और हम भी, जो डॉक्टर साहब ने कहा, एक समाज में भी एक जागरूकता होनी चाहिए और लोगों को भी अपने हिसाब से डिसिप्लिन की बात, सवारी अपने समाज की खुद जिम्मेदार है। यही नहीं, यही भ्रम फैलाना, चार दल के लोग बैठ जाएंगे तो बातों को बाल की खाल निकालेंगे आप। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप भ्रम फैला वो डरा दहशत फैला रहा है, फिर भी आपने आरोप लगाया, तो सुनिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप बाल की खाल मत निकालिए, देश भी चलेगा, हम दुरुस्त भी करेंगे। और डॉक्टर साहब, आपकी बात का एक लाइन का जवाब,
कि जो दूसरे देश डिसिप्लिन में है उनसे और हमारी हिंदुस्तान की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी कितनी नीचे हुआ करती थी, और उन अमेरिका और ब्राजील और दूसरे देशों में कितने मरे और हिंदुस्तान में कितने मरे, ये अंतर होना चाहिए। और आज हमने अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना ऊपर किया है, आप सही जानते हैं। आप डॉक्टर साहब को चुनौती बाद में दीजिएगा, ऑक्सीजन की किल्लत से कितने लोग मरे पहले इसका आंकड़ा। चुनौती मैं डॉक्टर साहब को नहीं दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ। ठीक ऑक्सीजन इस तरीके का ओके सर, इस तरीके का जवाब नहीं होता है। देश भी चलाना है, देश को कहीं भी रखना है। ओके आपने कहा बाल की खाल निकालो। शिल्पी चौधरी जी, सवाल आपसे मेरा वही, उसका जवाब नहीं मिला। चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, यस और नो? बिल्कुल लगना चाहिए। लगना चाहिए, आप इसके लिए तैयार हैं? अखिलेश जी को बोलिए लगाएं तुरंत। आप इसके लिए तैयार हैं? लगाएं, सरकार ये चला रहे हैं। मैं सरकार ये चला रहे हूं, मेरी पार्टी भी तैयार है। सरकार ये चला रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी की नहीं, नैतिकता है, हिंदुस्तानी नहीं है वो, उनका देश के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैतिकता तो उनकी भी है जिनके मंत्री के बेटे के ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गया। अरे वाह, ये तो हुआ। आप हटाओ बनवाए तो ठीक, और हम मंदिर बनवाए तो हम सांप्रदायिक। चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, अखिलेश जी से पूछिए ना, अश्वनी शाही हो गया ना, अश्वनी शाही जी हो गया तो ठीक, और हम बनवाए मंदिर तो शाही जी हो गया। हो गया, प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए, देश की सरकार लोकतंत्र के अंदर संविधान से चलेगी, तो संविधान के दायरे के अंदर जो सरकार करेगी, विपक्ष की पार्टी होते हुए हम उस पे शर्माते लेंगे, लेकिन सरकार लोकतंत्र के अंदर संविधान को तोड़ते हुए मरोड़ते हुए कुछ करेगी तो उसका विरोध होगा। विरोध सवाल गोल करके चलिए अंत में जाते जाते अश्विनी शाही जी, अभी एक कमेंट आया जी, जी। बोला कि हम लोगों का 500 का चलान कट गया, कोई कह रहा 1000 का चलान कट गया। कभी चुनावी रैलियों में नेताओं के चलान कटेगा? एकदम अगर जरूरत होगी तो तैयारी भी, उन्होंने वायलेशन किया होगा, तैयारी भी बता दीजिए कि तैयारी क्या है कोरोना की। एक सेकंड सर, तैयारी छोड़िए ना, अभी वो कह रहे कि पूरा देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, तैयार है चंद्रमोहन जी, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लड़ना नहीं है, समझ गया, चुनावी रैलियों से कोरोना डरता है, मैं समझ गया, चुनावी रैलियों से कोरोना डरता है, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहगल, आपने अपना कीमती वक्त दिया और कई महत्वपूर्ण बातें हमारे इस कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा की। लेकिन राजनीतिक दलों का ये कहना है कि पहले वो करे, पहले वो करे, पहले ये पहले वो, लेकिन जनता सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, राजनीतिक दल यही समझा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।